हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानु जी, आप देख रहे हो चैनल क्लासिक 95। ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं। और इस बार मैं जो रिव्यू देने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये जो रिव्यू है ये ऑटोमोबाइल फैक्ट्री रिलेटेड है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हेडलाइट वर्क कैसे करती है। आप सब लोगों ने देखी होगी अपनी गाड़ी में हेडलाइट लगी होती है, लेकिन कोई सोचता नहीं है कि इसके पीछे राज क्या है, कि हेडलाइट जो है वो हमेशा पैरेलल बीम्स में ही क्यों निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो है ये इससे रिलेटेड ही है और आप इसको एंड तक देखना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको हेडलाइट का मैकेनिज्म समझाता हूँ। सबसे पहले ये जो हेडलाइट है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें होता क्या है, पीछे की तरफ होते हैं कॉनकेव लेंस जो कि इस तरह से होते हैं। और ये जो कॉनकेव लेंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, अपना जो बल्ब होता है वो फोकस की तरफ सिचुएटेड होता है, और फोकस की तरफ से लाइट आती है और फिर पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट निकल जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, अपने को पूरा क्लियर पाथ विजिबल हो जाता है रोड का। ये रॉयल एनफील्ड ही नहीं, सारी बाइक में ये मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार आपको लाइट चालू करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हो टेल लाइट। टेल लाइट में भी पीछे की तरफ कॉनकेव मिरर होता है और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकालता है। और टेल लाइट जो है इसमें क्या होता है, ये हमेशा रेड कलर की होती है। ये आपने कभी सोचा नहीं होगा गौर करके कि रेड कलर की क्यों होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये रेड कलर की इसलिए होती है क्योंकि जो टेल लाइट जो होती है वो हमें दूर से भी दिख जाती है। और ये इसलिए दिखती है क्योंकि जो रेड कलर है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। ये जो रेड कलर है ये रिफ्लेक्ट अच्छे से नहीं हो पाता है, मतलब ये स्कैटर्ड ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छे से दिखाई दे जाती है ये लाइट ट्रैफिक में भी। इसलिए आप जब भी देखना ट्रैफिक में, आपको रेड कलर बहुत ही अच्छे से दिखाई दे जाएगा। अब दोस्तों, इंडिकेटर में क्या होता है, उसमें भी सेम टू सेम मैकेनिज्म है। पीछे की तरफ कॉनकेव मिरर लगा हुआ है और जो बल्ब जो है वो फोकस की तरफ सिचुएटेड है, जिसकी वजह से पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे हो ये मैं रामायण क्यों बता रहा हूँ। ये जो दोस्तों ये जो फैक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और आपको पता होने चाहिए ये सब फैक्ट, कि इंडिकेटर जो होते हैं वो येलो कलर के क्यों होते हैं, लाइट जो होती है वो रेड कलर की क्यों होती है, रेड कलर जो है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है और जिसकी वजह से रेड कलर आपको दूर से भी विजिबल हो जाता है। और इंडिकेटर जो होते हैं ये हमेशा येलो या फिर आपको ऑरेंज कलर में दिख जाएंगे, क्योंकि येलो कलर की वेवलेंथ भी अच्छी होती है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि अब इनसे फ़ायदा क्या होता है। अब आपकी जब भी गाड़ी पंचर वगैरह हो जाए तो आप सोचना, हमेशा कॉन्शन का जो सिंबल होता है वो हमेशा रेड कलर से होता है। वो रेड कलर से इसलिए होता है क्योंकि रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वो दूर से भी विजिबल हो जाता है, ताकि कोई भी बंदा अगर डस्ट वगैरह हो उस कंडीशन में भी आपको वो कॉन्शन का सिंबल आसानी से दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मेरी फैक्ट पे ही रिलेटेड थी और मैं ऐसे फैक्ट की वीडियो, ऐसी फैक्ट रिलेटेड वीडियो और डालते रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे शेयर करते रहें। ये जो वीडियो थी ये टेक्निकल फैक्ट से ज़्यादा रिलेटेड थी और ये थोड़े साइंस फिक्शन से भी रिलेटेड थी। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहूँगा आपके लिए और मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं।